बनाने जा रही हूँ उबले हुए आलू से बहुत झटपट बनने वाला व्रत का नाश्ता। और नाश्ता शुरू करने से पहले आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो मैं ये उबले हुए आलू इनको ग्रेट कर लेती हूँ। पहले इस तरह से मैंने उबाल के ना इनके ठंडा कर लिया था। ये बहुत झटपट बन जाता है, इसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है नाश्ते को बनाने को। कभी कभी हमारा मन नहीं होता ना व्रत में हम ज़्यादा कुछ करें, तो इसीलिए ये नाश्ता आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो मैं दोनों आलू को ग्रेट कर लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए आलू अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। इसमें मैं डाल लेती हूँ कुछ चीज़ें। मैंने ले ली है दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और इन्हें ये ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर तीखी लगे तो आप एक ले सकते हैं अगर आपके पास तीखी है तो। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, बहुत ज़रा सा, क्योंकि मैं इसमें रेड चिली पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और दूसरा क्या, हम इसमें व्रत में कोई भी मसाले यूज़ नहीं करते, तो काली मिर्च पाउडर डाल देती ना तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसी समय मैं डाल दूँगी इसमें सेंधा नमक टेस्ट के हिसाब से। और अब हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच हम सिंगाड़े का आटा। अगर आपके पास कूटू का आटा है तो आप वो भी ले सकते हैं, मैंने सिंगाड़े का लिया है। और मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। सिंगाड़ा का आटा हम सिर्फ बाइंडिंग करने के लिए डाल रहे हैं, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथ की मदद से। ज़्यादा आटे की ज़रूरत नहीं है, दो चम्मच काफ़ी है, उससे सिर्फ बाइंडिंग हो जाएगी हमारे आलूओं को इस तरह। इसलिए अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैंने हाथों पे लगा लिया है थोड़ा सा देसी घी। अब हम इसमें से छोटे छोटे पीस लेंगे और इसे जैसे कटलेट बनाते हैं ना उस तरह से रोल करेंगे हम इस तरह से, और हल्का सा प्रेस करते हुए छोटी छोटी हमें टिक्की बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी इस तरह से बनाती रहूँगी। और हल्का सा प्रेस कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, ये इसी तरह से मैं बना के तैयार कर लेती हूँ सब। ऑयल गरम होने रख दिया है और ये मैंने मीडियम आंच पे ही इन्हें फ्राई करूँगी। और ये देखिए मैंने इस तरह से ये कटलेट से बना के तैयार कर लिए है। अब हम एक एक इसमें डाल देते हैं। और अभी मैंने इसकी फ्लेम थोड़ी सी तेज करी है, क्योंकि डालेंगे तो इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और बाद में हम इसे मीडियम आँच पर अच्छे से फ्राई करेंगे दोनों तरफ से गोल्डन। इस तरह से मैं डालती हूँ, और जितने आराम से आए, ज़्यादा नहीं, जितने हमारे आराम से आएंगे इस तरह से। और एक स्पून की मदद से इस तरह से ना इनके ऊपर ऑयल कर देंगे, जिससे कि ये ऊपर से भी अच्छे से गोल्डन हो जाए। और अभी एक मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देते हैं, जिससे कि ये एक साइड से सिक जाए थोड़े से। एक मिनट के करीब हो गया है। अब हम एक स्पून की मदद से इनको पलट देते हैं इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल भी, अगर आप दो चम्मच इसमें आपने मतलब कूटू का या सिंगाड़े का जो भी आप खाते हैं व्रत में वो आटा डाल देंगे इसमें, तो एक भी आपका ना तो फटेगा और बहुत अच्छा है, बन के तैयार होंगे। और अब इसकी फ्लेम हम कर देंगे कम और लो फ्लेम पर अच्छे से इस पर कलर आने तक पका लेते हैं। अब ये देखिए दोनों साइड से कितने अच्छे से गोल्डन कलर आया, कितने फूले फूले बने हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इधर से भी और दूसरी साइड से भी। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। व्रत में खाने वाले कटलेट बनके तैयार हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।